This could be us. So back to what I was saying. This could be us. हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी एक्सपर्ट। आज गाइज मैं वो बनाने जा रहा हूँ जो कि उस टाइम पे यूज होता था जब लाइट नहीं आती थी। तो चलिए आज मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते थे। चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। और आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस ये मेरे पास एक कांच की शीशी जो कि मैंने लिया है और इसमें मैंने एक होल कर दिया है छोटा सा, और इसमें से हम बनाएंगे चिराग, जो कि चिराग ही बोलते हैं। आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइए कमेंट में। यहाँ यूपी में तो चिराग बोलते हैं इसको। और चलिए बना के देखते हैं इसको। इसके लिए पहले हम लेंगे तेल, दिखता काफ़ी रहेगा। तो इस मैंने और भी दो तीन ऑयल से यूज़ किया लेकिन ये नहीं जला, ये तो इस केरोसिन से ही जलेगा। चलिए इसको, अब हमारे पास एक ये कॉटन का कपड़ा है जिसकी मैंने बत्ती बनाई है। तो बस इसको इसमें लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो बस ये लग चुका है, इसको मैं थोड़ा सा इसको लगा लेता हूँ इसमें केरोसिन, और ये बाकी का के अंदर जाएगा ताकि ये कॉटन इसको एब्जॉर्ब कर ले। ये लग चुका है गाइस, कुछ इस तरीके का बनता था पहले के टाइम में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो ये यूज़ किया जाता था। तो इसको जला के देखते हैं। तो देखा गाइस कुछ इस तरीके का होता था पहले के टाइम में, बनता था जब लाइट नहीं हुआ करती थी। आज भी कुछ जगहों पे लाइट नहीं है क्योंकि जहाँ ये यूज़ होता है, और ये यूपी में हम लोग इसको चिराग बोलते हैं। तो गाइस बताइए आपको कैसी लगी वीडियो हमारी, और कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा आपको। तो गाइस बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, और बाकी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके जगह पे क्या बोलते हैं इस चिराग को जो कि यूपी में बोलते हैं। बाकी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करिए। तो चलिए अब अगली बार मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें कि हमारी वीडियो सबसे पहले उनको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।